दमोह जिले की सभी तहसील पथरिया, बटियागढ़, हटा, परेरा, जबेरा व तेंदुखेड़ा सेंटर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। शहीद दिवस पर जिला अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ ने शहीद हुए जवानों व स्वास्थ्य कर्मचारियों को कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। दमोह आज शहीद दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न डॉक्टर स्टाफ ने कोरोना काल के समय असमय काल के गाल में समय स्टाफ व पुलिस कर्मियों, जवानों व अन्य कर्मचारियों को याद करते हुए कैंडल जलाकर मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्य रूप से सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश नामदेव, आरएमओ डॉक्टर विशाल शुक्ला सहित विभिन्न डॉक्टर्स एवं स्टाफ की मौजूदगी रही। आज का दिन बापू की पुण्यतिथि है, शहीद दिवस है। इस शहीद दिवस को हमारे जो कोविड वॉरियर, जो सैनिक, कोविड सैनिक लगभग जिनकी संख्या 2000 से ऊपर पेंडेमिक के दौरान जिनकी डेथ हुई थी, शहीद हुए थे, हमारे जो पैरामेडिकल जो और जो सब सैनिक हैं उनका तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि करीब करीब 5 गुने 10,000 से ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ था, वो इस पेंडेमिक में शहीद हुए। उनके लिए आज हम नमन करने के लिए, उनको हम आज उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। और दमो IMA ब्रांच, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सारे ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ सब आज आके यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे सैनिक कोविड वॉरियर जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को ईश्वर उनके पूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना आशीषित करें कि वो आगे बढ़ें और उनके आगे का जीवन यापन अच्छे से हो सके। और गवर्नमेंट से भी हम एक उम्मीद रखते हैं कि जो सोई रहती है हमारे डॉक्टर्स के प्रति, हमारे पैरामेडिकल्स के प्रति जो कोई भी सहानुभूति नहीं है। आपको याद होगा कि जो कोविड के दिन थे, लोग खिड़की से झाँकते थे, यदि हमारे यहाँ का स्टाफ किसी गाँव में जाता था तो गाँव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे कि पहले उसको यहाँ से भगाओ, तभी वो आगे नहाए धोए और फिर आगे से जाए ना, हॉस्पिटल ना जाए, इसलिए उनको गांव में प्रवेश दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो क्या स्थिति थी उन दोनों कोविड के समय, लोग डॉक्टर निकलते थे या पैरामेडिकल तो किस रिस्पेक्ट से देखते थे। वो दिन चले गए, वो दिन याद अपने को करना है। और उनको जो हमारे बीच नहीं रहे उन सबको, और आपको याद होगा कि जब दमोह ज़िला में कोविड का नाम चलता था तो डॉक्टर प्रहलाद पटेल, डॉक्टर दिवाकर पटेल, डॉक्टर विक्रांत, डॉक्टर शुक्ला, मतलब किस तरीके से अपने परिवार से हट के एक एक महीने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी की। हमारे सीनियर जो डॉक्टर पटेल हैं वो तो बहुत क्रिटिकल हो गए थे, और ईश्वर ने और सब लोगों, हम लोगों की जो प्रार्थना स्वीकार करके और आज हमारे बीच में स्वस्थ खड़े हैं। तो ये दमोह ज़िले को एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन हमारे कोविड वॉरियर ने अपना जान लड़ा के और हमको सबको स्वस्थ रखा। और फिर से हम सभी परिवारों के लिए, सभी के लिए नमन करते हैं। और हम डॉक्टर हमारे ताम्रकार साहब हैं, उनसे कहेंगे कि पूछ। सर क्या नाम है आपको? डॉक्टर संजीव सिंह। कोविड के समय की याद आती है तो उस समय रोब के खड़े हो जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, क्योंकि तो मैंने खुद अपने सामने अपने कई डॉक्टर्स को कोविड के उसमें जान देते हुए देखा, क्योंकि मैं छतरपुर में था तो वहाँ एक CMO थे डॉक्टर चतुर्वेदी, उनको मैंने देखा, और यहाँ भी बहुत लोगों ने देखा। और यहाँ हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगा के, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे नर्सेस ने, सभी ने अपनी जान की बाजी लगा के जो कोविड का पीरियड ढेला, तो वास्तव में काबिले तारीफ है। और आज हम जो श्रद्धांजलि उन लोगों को दे रहे हैं जो हमारे बीच रहे नहीं कोविड के कारण, ईश्वर उनको अपने चरणों में शरण दे और उनके परिवार को सुख सुविधा से रहने की शक्ति दे, उपलब्धता दे। क्या नाम है सर आपका?
डॉक्टर ताम्रकार, रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर। जी सर, आज किस संबंध में आप लोगों ने यह श्रद्धांजलि सभा की है? जी, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। उन शहीदों को हम याद कर रहे हैं जो हमारे बीच ही काम करते थे और कोविड के दौरान शहीद हुए। ऐसे बहुत से अनजान बलिदान स्वास्थ्यकर्मी करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज किया है। सर, दमोह जिले में कितने हुए थे कोरोना काल के समय? देखिए, जिले दमोह की अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर आयुष की हमारी, डॉक्टर पटेल, एक हमारा बहुत उमदा वार्ड बॉय केशव रेकवार, ये लोग शहीद हुए थे। इसके अलावा अन्य बहुत सारे विभागों के कर्मचारी और अधिकारी जो बीमार हुए, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए शहीद हुए, उनको हमने आज नमन भी किया है, याद भी किया है। और इस शहीद दिवस को हम अनूठे तरीके से मना रहे हैं, उस मोमबत्ती प्रज्वलन के माध्यम से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर विशाल शुक्ला, आरएमओ जिला चिकित्सालय दमोह। Subscribe now to most exciting channel ever.